28 तारीख को मजिस्ट्रेट के पास बयान हुए और 16 तारीख से 28 तारीख तक लड़की को वहीं रखा गया। उसके बाद हमारे सपोर्ट में किया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई भी मतलब का अधिकारी यहाँ आकर दबिश नहीं दी, न किसी आरोपी को पकड़ा गया। पुलिस की लापरवाही से ये सब कुछ हुआ। अगर पुलिस लापरवाही न करती तो शायद है कि आज मेरी लड़की बच जाती। हमारी लड़की को न्याय न मिलने के कारण उसने फांसी लगा ली। देश में पिछले दिनों हैदराबाद और उन्नाव की दो बीभत्स घटनाएं जो सामने आई हैं, सबके दिलों को ठेस पहुंचाई है, सबके दिलों को तकलीफ हुई है, मुश्किलें हुई हैं। अभी इन दो घटनाओं की जो चीखें थी अभी तक शांत नहीं हुई। तब तक कानपुर देहात की एक नाबालिग बेटी सिर्फ इसलिए आत्महत्या करने को मजबूर हो गई क्योंकि उसके गुनहगारों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। मेरी लड़की ने यही बताया कि हमको सोने लाल अपने कमरे में बंद रखा और सन्नी लाला रिंकू उन्होंने हमारे हाथ पैर बांध दिए, मुंह में कपड़ा बंद कर दिया। बंद करने के बाद मेरे साथ बारी बारी से गलत काम किया। उन्होंने ना खाना दिया, ना पानी दिया, ना हमको बोलने दिया और हमको यही डराते धमकाते रहे कि तेरी माँ को मार दूंगी, बाप को मार दूंगी, पूरे खानदान को तेरे मार दूंगी, ये मत बताना कि हमको उन्होंने बंद कर रखा। जब वो कोर्ट में गवाही देने गई थी तब उसने अपनी उसको शरीर उसका छिला था, गला उसका छिल डाला था, नाखूनों से नोचा था उसको और यहाँ उसके सारे कपड़े भी छूटे थे। 13 तारीख की ये घटना है जिसमें हमारी बच्ची 13 को सौ के बाद से गायब हुई। तो हमने 100 नंबर को फोन किया। 100 नंबर में जब पुलिस आई तो छानबीन की तो उन्होंने बताया कि आरोपी सब लोग देखा गया गायब हो गए। तो हम गए थाने, बोले आप थाने जाकर मिलिए, वहाँ शिकायत दर्ज कराइए। तो हमें जाके जब हमने थाने में शिकायत बताई तो उन्होंने बताया कि मतलब आप हमका मुकदमा इसे हम नहीं लिखेंगे, आप हमें मार्कशीट उपलब्ध कराइए या मतलब सर्टिफिकेट दीजिए। किस लिए? किस लिए मतलब मुकदमा लिखने के लिए कि हमको मालूम चले कि आपकी बच्ची 13 की है, 15 साल की है। हमने 15 को बताया तो बोले मान्य तैयार नहीं कि 15 साल की है, हम क्या माने कि 15 साल की है। तो मार्कशीट ना मिलने के कारण हम 3 दिन परेशान रहे। हमने कहा मार्कशीट मिल नहीं रही है और आप मुकदमा नहीं लिख रहे हो। तो हमने फिर उनको जाके 3रे दिन लिखित में दिया, तब उन्होंने लिखित में स्वीकार करके मुकदमा हमारा लिखा, तब आगे की कार्रवाई हुई। उसके बाद आगे माननीय दरोगा जी आए, जांच की, जांच करने के बाद वो अपना ले गए। फिर कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। सुनवाई ना होने के कारण हम लोग मतलब मेडिकल वगैरह कराने की बात की, मेडिकल वेडिकल उन्होंने सब करवाया। करवाने के बाद मजिस्ट्रेट के पास से बयान करवाए, बयान करने के बाद हमारे पास लड़की को हैंड ओवर किया गया। हमारी लड़की के दिमाग में यही गूंजता रहा कि हमारी इतनी इज्जत बेइज्जत भी हुई और हम इतना भागे दौड़े भी सब कुछ किया, पुलिस ने कोई सुनी ही नहीं। अगर आज पुलिस सुनी होती तो हमारी लड़की शायद है कि मरती नहीं, बच जाती। वो घबराई हुई थी, वो बहुत घबराई हुई थी। उसको ये डर लग रहा था कि हम कहीं अपने घर वालों को बता देंगे तो हमारे परिवार वालों को वो मार डालेंगे, वो जो लड़के हमको बंद रखे वो हमको मार डालेंगे। वो उन्होंने हमें यही धमकी दी। चले न जाते। जब बच्ची 6 दिसंबर को चौबे पुल अपनी बहन के यहाँ खत्म होती है, उसके बाद आनंद फानंद वहाँ से फोन आता है थाने में। थाने में फोन आने के बाद तब प्रशासन 2 घंटे में कैसे मतलब मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती है ये समझ नहीं आता। मतलब इसमें पूरा पूरा दोष प्रशासन का। अगर प्रशासन ने इतने दिन में कोई एक्शन लिया होता, अगर कार्रवाई के हिसाब में एक्शन ले लिया होता तो बच्ची आज हमारे बीच में ही होती। 2-3 साल पहले लाला एक नाम लड़का था बाल्मीक जी, उसने 3 साल पहले मेरी हौल को जबरदस्ती ले लिया। उसके बाद गांव वालों ने उसके साथ समझौता करा दिया। आरोपी ये कह रहे थे अभी हमारे तुमने अपनी लड़की के साथ तुम्हारी ऐसे गलत काम किए, अब तुम्हारे महिलाओं जो घर में औरतें उनके साथ यही करेंगे। हम वो कह रहे थे स्कूटी पापा लो तो हमने ठीक लेंगे बेटे, मगर वो चली गई, अब क्या लेंगे।